फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कॉल परमोनल क्या है। कॉल परमोनल क्या होता है, ये क्या बीमारी है। तो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम अक्सर लोगों को सुनने में आम सी बीमारी की तरह लगती है, और ये बात सच भी है कि हर दूसरे बंदे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है। इससे बॉडी का उनको क्या होता है कि बॉडी में बीपी अचानक से हाई हो जाता है, उनका बीपी शूट कर जाता है और वापस से फिर नॉर्मल भी हो जाता है। तो कुछ लोगों में बीपी हाई होने के बाद वापस से नॉर्मल नहीं हो पाता है, और ये बीमारी के रूप में फिर सामने आता है। हाई बीपी का अगर सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो बॉडी को कई बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसे हाई बीपी हार्ट को बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर सकता है, उस पर बुरा असर डालता है हार्ट पर। अगर आपको भी हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर चेकअप कराते रहें, और डॉक्टर जैसे भी बोले आपको उस तरीके से रूटीन बना लेना चाहिए कि आपको दवाइयों का सेवन करना ही है, आपके डॉक्टर जैसे भी बोले। हाई बीपी की वजह से पेशेंट को कॉल परमोनल कंडीशन का भी सामना करना पड़ सकता है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, आपको कॉल परमोनल के बारे में जानकारी देंगे, और साथ ही इससे जुड़ी जितनी भी सावधानियां हैं आपको कैसे करना है तो वो पूरी जानकारी हम आपको देंगे। आप हमारी वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल मेडिकोज लाइफलाइन पर नए हैं तो हमारे चैनल मेडिकोज लाइफलाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कॉल परमोनल हार्ट से जुड़ी एक कंडीशन है जो हाइपरटेंशन की वजह से सामने आती है। परमोनरी आर्टरीज में ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की वजह से कॉल परमोनल की जो यह प्रॉब्लम होती है, इसे राइट साइड हार्ट फेलियर के नाम से भी आप देखेंगे जानते हैं लोग, क्योंकि यह हार्ट के राइट वेंट्रिकल्स में पाया जाता है, और कॉल परमोनल की वजह से राइट वेंट्रिकल इनलार्ज हो जाता है और ठीक से ये ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती है। इस वजह से वेंट्रिकल की लिमिट ख़त्म हो जाती है और वो फेल हो जाता है। अगर लंग्स में जाने वाला जो ब्लड है वो हाई मतलब उसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये सिचुएशन को रोका जा सकता है। एंटी ट्रेट पर्मोनरी का हाइपरटेंशन कॉल परमोनल को जन्म दे सकती है। इस वजह से पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। तो ये कंडीशन की कई वजह हो सकती हैं, इनके क्या लक्षण हैं ये हम आपको बताते हैं। तो कॉल परमोनल की क्या कॉसेस हैं। कॉल परमोनल के लक्षण आम तौर पर दिखाई नहीं देते हैं। अगर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिन पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, आम तौर पर नहीं ध्यान जाता है, जैसे कि कुछ लक्षण होते हैं सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, थकान होती है, थकान जल्दी जल्दी महसूस होती है, और हार्ट रेट बढ़ जाती हैं। अगर टाइम पर और चक्कर बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, अगर टाइम पर बीमारी का इलाज नहीं किया जाता है तो बीमारी के लक्षण बहुत ज़्यादा भयानक हो सकते हैं। ऐसे में आपकी छाती में दर्द हो सकता है, पैरों में सूजन आ जाती है, लगातार खांसी आने लगती है, और बोलते टाइम घबराहट होने लगती है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आती हैं। अच्छा, ये किस वजह से होता है, ये बीमारी क्यों होती है? आपने ये तो सुना ही होगा कि हमारे बॉडी की जितनी भी ऑर्गन्स हैं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, यानी कि अगर कोई ऑर्गन काम करना बंद कर देता है या किसी ऑर्गन में कोई ख़राबी आ जाती है तो दूसरे ऑर्गन के काम में भी इसका बुरा असर पड़ता है। जैसे कॉल परमोनल के केस में हम यही देखते हैं कि बॉडी में जैसे लंग्स है, लंग्स ब्लड ट्रांसपोर्ट के लिए फेफड़ों को हार्ट पर निर्भर रहना पड़ता है। परमोनरी हाइपरटेंशन की वजह से लंग्स आर्टरीज और हार्ट के राइट वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसा लंग्स में
हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट ना करने पर कॉल परमोनल का ये मेन वजह जो है ये सामने आती है। तो फ्रेंड्स ये है हाइपरटेंशन कॉल परमोनल के बारे में जानकारी थी। तो फ्रेंड्स आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, और हम नंबर दे रहे हैं तो इस नंबर पर भी आप कॉल करके अब कोई प्रॉब्लम्स हैं तो पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मेडिकोज लाइफलाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।